पंजाब के तरन तारण की श्री गोविंदवाल साहिब सेंट्रल जेल में हुई झड़प के मामले में पंजाब पुलिस लगातार जांच कर रही है। हमारे साथ गोविंदवाल साहिब थाने के SHO मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह जी। सर, अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है, क्या ये गैंग वॉर थी या सोची समझी प्लानिंग के तहत ये हुआ है? अभी तक तो अफेयर रात दर्ज की गई है और जो भी इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन है हमारी वो अभी शुरू की गई है। अभी क्लियर नहीं है अभी ये गैंग वॉर है जहाँ इनकी कोई आपसी कोई लड़ाई हुई थी पहले शायद जेल में। लेकिन सर, जो हथियारों से जो बॉडीज में जो गहरी चोट के निशान हैं, तो लगता नहीं लोहे की रोड्स या कोई और नकीले तेजधार हथियार वहाँ जेल में पहुँचे या इन लोगों ने इस्तेमाल किया जेल में सामान का, ये इस एंगल पे भी जांच की जा रही है? हाँ, इस एंगल पे भी जांच की जाएगी भी जो इन्होंने वेपन यूज़ किए हैं या जो भी रॉड यूज़ हुई है वो कहाँ से आई, क्या थी, वो हम देखने के बाद अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके बारे में। तो जेल अथॉरिटीज़ से भी पूछताछ की जाएगी जो आसपास सिक्योरिटी तैनात थी, क्योंकि आधे घंटे तक कहा जा रहा है कि वहाँ झगड़ा चलता रहा लेकिन वहाँ लोकल जो वहाँ पे अंदर सिक्योरिटी थी उसने कुछ नहीं किया, रोकने का प्रयास नहीं किया। ये तो चेक करेंगे, अंदर कैमरेज भी हैं वो भी चेक करेंगे और जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो उसको हम करेंगे। सर, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गैंगस्टर्स की बात आ रही है, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? नहीं, ऐसा कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी पुलिस का कहना है कि जो गैंग वॉर की बात आ रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से तो कही जा रही है लेकिन पुलिस की जाँच में अब तक ऐसा नहीं मिला है ये कहा जा रहा है। लेकिन एक जांच का जो बड़ा बिंदु है जिसकी पंजाब पुलिस जांच कर रही है कि जेल के अंदर तेजधार हथियार, लोहे की रॉड्स कैसे पहुंची और किस तरह से इन हथियारों के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, इसकी भी लगातार तफ्तीश की जा रही है। तरन तारण से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। We'll be right back.